गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल उषा राठौर। कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं बढ़िया हूँ। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम और मैं हो गई हूँ नहा धोकर फ्री, और झाड़ू पोछा भी मैंने कर लिया है। बनाएंगे खाना, तो ऊपर चल के पहले करूंगी मैं पूजा, उसके बाद बनाएंगे खाना, क्योंकि आज 15 अगस्त है, सब घर पर ही है। तो मैंने सोचा पहले ये वाला काम कर लेते हैं, झाड़ू पोछा वगैरह का, नहाना धोने का, फिर उसके बाद खाना बना लेंगे। तो अब मैं जल्दी से जाऊंगी क्योंकि सब वेट कर रहे हैं नाश्ते का। तो चलो चलते हैं ऊपर और बनाते हैं खाना। तो अभी मैं हो गई हूँ काम वाम करके फ्री, और खाना भी मैंने बनाने और कुछ दी बनाने तो जिम लिया है। मम्मी पता नहीं कहाँ बाहर गए हैं, तो वो आएंगे तब बनाएंगे उनके लिए। बाकी वैसे मैं फ्री हो गई हूँ। तो आज मैं मिलवाती हूँ आपसे हमारे घर के नए मेम्बर नहीं, मतलब है तो पुराने नए, लेकिन नए लुक में। हमारे कुलदीप बना का नया लुक, ये मेरे से जबरदस्ती करवाया गया है, इन सब साजिश थी। तो बताओ कैसे लग रहे हैं, मतलब ऐसे बच्चे से नहीं लग रहे क्या? मुझे तो कल से इनकी बच्चे वाली फीलिंग आ रही है। इनको बच्चे से लग रहे हैं। आज ना थोड़ा इधर दो, देखो सही खुद को। हां मस्त लग रहा है। आज तो 15 अगस्त में प्रोग्राम भी करा सकता, आजादी मिल गई बड़ों को, छोटा बच्चा समझ। तो देखो 6 महीने पहले देखा था आपने इस अवतार में इनको। 6 महीने? 1 साल? अब नवरात्र तक तो यही यहाँ बोलियो, 1 साल हो गए। दुकान ओपन करने के टाइम के बाद बाहर बैठा। हाँ तो 1 साल हो गया। 1 साल में मैंने खुद ने कुछ अलग लगे हो ना, ये हैंड को लार का मार दो। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4, और दिन में बस वही काम वाम करके थोड़ी देर रेस्ट किया, उसके बाद अभी चाय बनाई और मैंने कुलदीप बनाने और मम्मी ने तीनों ने चाय पी है। और मैं आई हूँ अभी नीचे अपने कुछ कपड़े फोल्ड करने हैं, तो वो कपड़े फोल्ड करूँगी। उसके बाद मैंने मम्मी ने मार्केट जाने का सोचा है, तो अभी फिक्स नहीं है जाएंगे नहीं जाएंगे, जाएंगे तो शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। कुछ सामान लाना है तो वो लेने जाएंगे, क्योंकि अभी तो हमें हो रहा है कि हमें साथ किसके साथ जाए, या तो कैब बुक करनी पड़ेगी या फिर बना का वेट हो रहा है, वो सो रहे हैं तो उठेंगे तब वो लेकर जाएंगे। तब तक मैं सोच रही हूँ कपड़े वगैरह फोल्ड कर लेती हूँ, तो फिर आएंगे तब काम इतना ज़्यादा होगा नहीं। तो अभी हम आ गए हैं विद्याधर नगर, और हमारे साथ शोभा जीजा और पूनम जीजा भी आए हैं। ये दिल्ली से शॉपिंग करके आए अकेले अकेले। शोभा जीजा दिल्ली अकेला अकेला शॉपिंग कर आया है ना? कहीं कौन कर रहा है दिल्ली में शॉपिंग? जा रही पछताया, शुक्र है थे कौन गया। और मेरे लिए कुछ लाए भी नहीं है, एक एक किट लाए हैं वो घर पे भूल गए। उसके लिए भी कुछ नहीं लाए हैं, हमारे लिए कुछ नहीं लाए हम, अगर लाते तो मैं दिखा। अरे पेन है तो मैं फाड़ दूं। ले दी के तो सर है ना, ओ की लाए मेरे बाबा तो क्यों बोले? नहीं तो पेन है ना, देख ले ना। मैं खाने बड़ा फाफड़िया दिल्ली ले, क्यों वीडियो तो बनाओ, बताओ मुझे दिल्ली ले हो, वीडियो तो बनाओ। हेलो एवरीवन, तो अभी मैं हो गई हूँ अपने डेली रूटीन के काम से फ्री, और नहाना धोना भी मेरा हो गया है, बस अब फ्री है। तो अब करेंगे भगवान की पूजा, उसके बाद करेंगे पेट पूजा, और फिर देखते हैं क्या करते हैं, अगर शॉप पर जाना होगा या फिर मार्केट कहीं जाना होगा या फिर घर पे रहेंगे, जो भी करेंगे आप लोग करेंगे आप लोगों के साथ शेयर। और कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि जहाँ से आपने दवाई ली उस डॉक्टर के बारे में बताओ, कहाँ से लीक है, तो वो मैं आप लोगों को जब मेरे कुछ फ़र्क पड़ेगा उसके बाद शेयर करूंगी, क्योंकि पहले शेयर करने का कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे असर होगा तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी कहाँ से ली, कौन से डॉक्टर से ली। तो थोड़ा सब्र रखे, 5-7 दिन का टाइम दिया है उन्होंने, तो उसके बाद मैं अपने आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि ऐसे तो कोई मतलब नहीं रहेगा, आपके फालतू में पैसे लग जाएंगे और फालतू में परेशान हो जाओगे। तो पहले मुझे थोड़ा रिलीफ मिल जाए, उसके बाद मैं बता दूंगी आप लोगों को कहाँ से ली है। तो अभी चलते हैं ऊपर और करते हैं भगवान की पूजा, उसके बाद पेट पूजा। चलो, तो आज मेरा प्लान था मम्मी के साथ मार्केट जाने का, फिर मैंने सोचा वहाँ नहीं जाएंगे तो शॉप पर चलेंगे, बट दोनों ही कैंसिल हो गए, क्योंकि मम्मी के साथ जा रही थी बट उनके पीहर्स में कोई मतलब बहन है तो उनके कोई डेथ हो गई है, तो वो मैं वहाँ गए हैं। और कुलदीप मेरा 12 बजे शॉप पर गए हैं, तो फिर मेरा मूड बदल गया, क्योंकि 12 बजे क्या शॉप पर जाए, अब सोने का टाइम हो जाता है, जल्दी जाते तो चले जाते, तो मैंने फिर कैंसिल कर दिया मैं कि नहीं जाएंगे, क्योंकि दोपहर हो गई है तो मैंने कैंसिल कर दिया। और अब मैं लगाऊंगी जो मेरी इवेंट में मैंने पोशाक पहनी थी लहरिए की, वो मैं तीज पर पहनूंगी,
तो इसके क्या है ना, यहाँ तक गोटा लगा है, मतलब ये गोटा है ना, गोटा किरण तो पूरा किया है लेकिन गोटा यहाँ तक लगा है। तो इवेंट में तो चल गया था और मैंने पार्लर से पहनी थी पोशाक, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब मैं सोच रही हूँ इसके गोटा वगैरह लगा लेते हैं थोड़ा, फिर ये बैठे हैं, टाइम भी है, तो इसके गोटा लगा। तीज पर यही पोशाक पहनने वाली हूँ, क्योंकि ये इवेंट में पहनी थी, इवेंट में तो मतलब लेट गए थे, फिर वहाँ लेट हो गए, इस वजह से कोई मतलब बारिश भी आ गई थी, तो पिक्स वगैरह अच्छी क्लिक हुई नहीं, तो मैं सोच रही हूँ यही पहन लेंगे और पिक्स वगैरह भी अच्छी क्लिक करवाएंगे और अच्छी भी लगेगी। तो यही पोशाक पहनूंगी तीज पर, तो मैं इसके गोटा वगैरह लगा लेती हूँ, तो फिर मिलते हैं आपसे शाम को। तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और मैंने आज पूरे दिन पहले पोशाक वाली ओढ़नी गोटा लगाया, फिर एक ओढ़नी और पड़ी थी तो मैंने उसके भी गोटा लगा लिया, और अब चलते हैं ऊपर, तो करेंगे खाने की तैयारी और साथ देखते हैं क्या करते हैं। तो चलो चलते हैं, तो अपना चार्जर ले लेते हैं, लाइट ऑफ कर दी। तो अभी मैं आ गई हूँ ऊपर और सोच रही हूँ थोड़ी मेहंदी भी घो लेते हैं, क्योंकि कल सिंजारा है, परसों तीज है, तो आज ही मेहंदी लगा लेंगे, क्योंकि कल फिर वापस टाइम नहीं मिलेगा, तो थोड़ा अच्छा लगेगा। मम्मी ने भी बोला है कि मेहंदी लगा लेना, तो कौन वाली मेहंदी से क्या है ना, मेरी चमड़ी उतरने लग जाती है। वैसे मैं मेहंदी कम ही लगाती हूँ, क्योंकि है ना मेरे कोन वाली मेहंदी से चमड़ी उतरती है। अभी मैंने इवेंट में लगाई थी तब तो बहुत ज़्यादा उतरी थी, तो मैं सोच रही हूँ हनुमानगढ़ से मेहंदी लाई हुई है, माइसा लाए थे, तो वो वाली मेहंदी भी घो लेते हैं, और वो रस्ती भी अच्छी है, मतलब रेड रेड रहता है, ब्लैक नहीं होती है, तो वो वाली मेहंदी भी घोऊंगी। तो अभी जल्दी भी घो लेंगे, तो 9-10 बजे तक लगाएंगे, तब तक वो मतलब अपना कलर छोड़ देगी। तो ये मेहंदी ले ली है मैंने कटोरी में, और अब इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल लेते हैं, वैसे मेरे और मम्मी के हो जाएगी, हाथों की लगानी है, पैरों की तो कौन मंगा लेंगे, लगाएंगे तो हाथों के लिए इतनी बहुत है, कलर बहुत अच्छा देती है ये, तो इसमें थोड़ी सी शक्कर डाल लेते हैं। तो मैंने इसमें थोड़े से शक्कर के दाने डाल लिए हैं, और क्या डालते हैं वो मुझे नहीं पता, अगर कुछ डालते हैं तो आप सजेस्ट करना, ताकि नेक्स्ट टाइम डाल सके। तो आज तो ये शक्कर के दाने डाले हैं, तो मैं इसे भिगो लेती हूँ। वैसे ना भिगोई हुई मेहंदी अच्छी रहती है कॉर्न के लिए, क्योंकि ये ना पूरी रेड रेड, उसमें तो मतलब केमिकल्स वगैरह आते हैं, इसमें कोई केमिकल नहीं होता, ये अच्छी रहती है। ये हमने मतलब हमारे रातीजों का था ना, तब मंगवाई थी हनुमानगढ़ से, बहुत अच्छा कलर हुआ था इसका, उसके बाद तो लगाई नहीं, तो आज लगाएंगे वापस। हम जल्दी के चक्कर में कॉर्न वाली लगा लेते हैं। ये भिगो दिए मैंने मेहंदी थोड़े, मतलब इसे थोड़ा पतला पतला ही रखा है, ताकि इजीली लग जाए, क्योंकि टाइट होती है ना तो फिर लगती नहीं है। तो ये मेहंदी भिगो दी है, अब इसे 9-10 बजे तक लगा लेंगे। तो अभी मेरा किचन का काम हो गया है डन, सबने खाना वाना भी जीम लिया है, बस पापा रहे, पापा आएंगे फिर खाना वाना जीमेंगे, और बर्तन वगैरह मैंने सब साफ कर दिए, दही जमाना है तो दूध ठंडा हो रहा है, बाकी सारा काम हो गया है। तो मम्मी लाए हैं मेरे लिए लहरी की चूड़ियाँ और लाख की चूड़ियाँ, तो वो दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कैसे क्या है, क्योंकि लहरिए में तो अभी कुछ नया मिला नहीं मम्मी को, पोशाक के मैचिंग का फिर भी थोड़ा सा लाए हैं, और एक लाख के लाए हैं मतलब पक्के नग के, तो मैं दिखाती हूँ आप लोगों को, चलो चलते हैं बाहर। तो मैं अभी आ गई हूँ नीचे चूड़ियों को लेकर, क्योंकि मम्मी फ़ोन पर बात कर रहे हैं और पापा भी आ गए, तो मैंने सोचा अभी वहाँ व्लॉग बनेगा नहीं, तो मैं नीचे आ गई, तो दिखाती हूँ अब आप लोगों को। तो ये लाए लहरिए के कड़े, मतलब पूरा मैच तो नहीं हो रहा बट फिर भी चल जाएगा, क्योंकि मम्मी ने बोला है कि ब्लू मिला नहीं, मतलब इसमें स्काई ब्लू सा है, तो पिंक वो चल जाएगा फिर भी। चलो लहरी है कि ये बैंगल्स लाए हैं, और एक ये लाए हैं लाख की है,
लाल की चूड़ियाँ मुझे ना इस चूड़े के बीच में चाहिए होती है, तो मोटे नग की मंगवाई है मैंने मम्मी से। मैंने बोला मोटे नग की लाना, मोटे नग की अच्छी लगती है, मतलब जब हम पहनते हैं ना कोई पोशाक वगैरह पर तो अच्छी लगती है। तो ये लाए चार और ये लाए, ये भी लाख की है तो ये बीच में लगाने के लिए है, लाख में है ये भी, और सिंस गोल्डन कलर की मतलब डिज़ाइन बनी हुई है, बहुत सुंदर है ये भी। तो ये बैंगल्स लाए हैं मम्मी, मम्मी बोल रहे हैं इसमें ग्रीन भी था लेकिन ग्रीन थोड़ा बड़ा साइज था तो कल छोटा वो बना देंगे, तब ग्रीन लाएंगे कल। बोल रहे हो गाना भी बनाता बनाता को गाना को। कॉपीराइट आ जाओगे मेरे सिंगिंग पे, आ जाओगे मेरे को सिंगिंग पे कॉपीराइट, कॉपीराइट आ जाएगा गाना पे। हाँ तो आप ना समझ लो बात करने दे रहे थे कि कोई बीच में रहते ना बेटे। अच्छा निकाल देते करो आप अपने किधर से दूसरी जगह जाओ। हाँ तो लोग निकाल देते बोलते यहाँ पे जगह नहीं है आपकी, इंडियन आइडल में जगह है आपकी। हाँ तो अभी मैं लगा रही हूँ मेहंदी। अच्छा अच्छा हमको तो दिखाई नहीं देता, हम तो अंधे हैं, बताना पड़ता है क्यों किस चीज की मेहंदी लगा रही हूँ। मैच बताओ मेरे को क्या पता, कल सिंगारा है, कल घेवर लाओगे मलाई वाले टेस्टी टेस्टी यम्मी यम्मी, परसों तीज है और अब पेलो मारो तीज है, पेलो पहले तो तीज है क्या ये पहला तीज ने तो अठ लियो मैं बताऊं कटम आयो ये पहली तीज है मरी है कटम आयो पहलो तीज पहली तीज है मरी है ससुराल में। ओह माय गॉड तो कुछ खास स्पेशल तो ना हो कैसी होती है ससुराल की पहली तीज, ससुराल की पहली तीज मन तो बोला कि बोरिंग सी होती थी लग रही है। ओहो आधा झूला है ही कोनी, जयपुर में कौन सा झूला है जता फिर झूला तो रहना जैसे माता तो बाहर आज गांव में डाल दी हो ना नीम का पेड़ पर डाले वो आ जाना पटा झूल लीजिए जा जगह ले आई मैंने जगह दो आपके लिए एक ननद होती तो सही रहता छोटी मेहंदी मेहंदी तो लगा देती मैं आपको एक काम का कोई नहीं एक और कर दो मेरी बुराई सच में ये कदे कदे तो जरूरत फील होगा कि मतलब कोई तो होना चाहिए जी नहीं कोई तो होना चाहिए जी नहीं हेल्प कर बन मेहंदी लगाओ बहुत बड़ा टास्क कर लाए हैं कोई तो मेहंदी लगा बड़ा होना चाहिए कोई मेहंदी लगा बड़ा अरे घर का काम में हेल्प करो मैं अब तो बड़ो स्टेटमेंट दे रहे हो थे अब थे सोचो कि रोटी बनाऊ मैं लेकिन लड़कियां रोटी बनाऊ लड़कियां को काम को नहीं पहली बात वो कोई भी कर सकता है उसमें कोई उसके अंदर आप वैसे जेंडर डिसाइड नहीं कर सकते कि ये लड़का बनाएगा या लड़की बनाएगा तो कोई बना ये नहीं औरतें औरतों के दुश्मन होते हैं सच्ची में चुप रहो सुने ही कोई बात नहीं भी कच्चे 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 ले बताओ बताओ अरे ये मेहंदी मेहंदी लगा दे मेरे बर्थडे को एक हाथ में लगा दे दूसरे हाथ में लगा दे सही बोले तो ते बेवकूफ फंड ना लगाओ यहां कर सीधी आंगले गाल दे कमाई ने अपा जी काट लो मम्मी ने हेल्प करो अपन मम्मी तुम तो कुछ ज्यादा सीरियस हो बात को लेके तुम तो मेरे को डांटने लग गई सही देखो ज्यादा मेरे को डांटा तो कैमरे में दिखा दूंगा